अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शॉकिंग न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात में सरप्राइज पोजीशन है और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने कितनी सीटें ली हैं और किन किन शहरों में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने मैदान मार ली है, इससे मुतलिक आपको आगाह करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना हिस्सा कमेंट सेक्शन में लाजमी करेगा ताकि तहरीके लब्बैक से रिलेटेड और इंटरनेशनल अपडेट आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। जैसा कि पाकिस्तान की कौम ने हर जमात को आजमा चुकी है और जो भी सियासी जमात इख्तदार में आई है उसने दीन इस्लाम पर उंगली उठाई है और जो भी इस्लाम के लिए निकलता है उस पर जुल्म किया जाता है। और जब के तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमीर शफीक अमीनी साहिब ने कुछ ही वक्त में मेहनत की और आज खैबर पख्तूनख्वा में सब जमातों को पीछे छोड़ दिया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। और इस वक्त तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की कुल सीटें की अपडेट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बलदियाती इंतखाबात 82 सीटें ले ली। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से 12 उम्मीदवार चेयरमैन मुंतखब हुए हैं और इसके साथ 6 जनरल कौंसिल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ कसान कौंसलर की बात की जाए, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 6 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। और इसके साथ यूथ कौंसलर की बात की जाए तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के 4 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ लेडीज कौंसलर की बात की जाए तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की 4 लेडीज कौंसलर मुंतखब हुई हैं। और इसके साथ अब नौशहरा की बात की जाए तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नौशहरा में तमाम नशस्तों में मैदान मार लिया है। और इस वक्त नौशहरा में बलदियाती इंतखाबात में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पास नौशहरा में तमाम नशस्तें हासिल कर ली हैं और डेरा इस्माइल खान में भी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने चेयरमैन की 1 सीट हासिल कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में टोटल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की नशस्तों की बात की जाए तो 12 चेयरमैन, 30 जनरल कौंसल्स, 20 यूथ कौंसल्स, 10 लेडीज कौंसल मुंतखब हुए हैं। और नाज़रीन, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जीत की बात की जाए तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जीत के बाद बाकी तमाम सियासी जो जमातें हैं जिन्हें 72 सालों की मेहनत कर रही हैं और उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार दिया। नाज़रीन, इससे मुतलिक अपना हिस्सा कमेंट सेक्शन में करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।